मैं यहाँ क्यों आया? हाँ सही, मुझे याद आया, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें लिखा है हेटर्स आई लव यू यार। सीन बची चेक यार, ये तो हो गया मजाक, अब करते हैं काम की बात। लेकिन उससे पहले ये बताओ दिया कैसा? दिया ना अच्छा। हाँ तो भाई मैं यूट्यूब से क्यों गायब था, इसलिए गायब था, इतने दिनों से मैं क्या कर रहा था और मैं कहाँ था? तो ये जानने से पहले ये जान लो कि मैंने इतने सारे दिनों किया क्या था। तो भैया हम सबसे पहले सोकर उठते थे, मुंह खोलते थे, आँख वाँख मलते थे अपनी बड़ी जोरों से, फिर उसके बाद गेट से बाहर निकलते थे, गेट से बाहर निकलने के बाद ऊपर नीचे ताड़ते थे, उसके बाद हम अपने कबूतरों को दाना पानी डालते थे। सबसे ज़रूरी चीज़, जानवर है यार, उनको तो डालना ही पड़ता है ना। और बाकी का पूरा दिन मुझे इसी जगह पे चिपके हुए हो जाता है जिस जगह पे आप मुझे देख रहे हैं, और इस टाइम पे ये बगड़ती है कि मैं हंस रहा हूँ बस। और मैं क्या कह सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, ये मेरी ज़िंदगी इसी जगह पे चिपकी चिपकी आती है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ये भी किया करते थे। बेटे अंधे की बहुत दुआएं लगेंगी, बेटे तुझे बहुत दुआएं लगेंगी, जानवर कोई इंसान की। ए यहाँ पर रख के जा, 10 का नोट जो निकाला तूने साले। मैं इतने दिनों से कहाँ था, क्या कर रहा था, क्यों गया था? तो यार मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, ये सोच रहा था कि मैं सारा इक्विपमेंट लूँगा फिर उसके बाद जाके मैं कोई व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन कुछ मसले ऐसे आ गए कि मैं इक्विपमेंट नहीं ले पाया, तो मैं खाली एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ले पाया। तो मैंने सोचा कि व्लॉग तो बन नहीं रहा, तो मैं मोबाइल से ही कंटिन्यू करता हूँ जब तक मैं जब इक्विपमेंट नहीं ले पाता। तो मैं इन सब दिनों कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ गया और मैंने क्या क्या किया, मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी स्नैपचैट्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, चलें देखें। तो मैंने लास्ट व्लॉग अपना बनाया 8 अगस्त 2018, मतलब कि इसके बाद 14 अगस्त। यार ये वीडियो तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त वाले दिन की है, लेकिन 14 अगस्त से पहले रात को हमने क्या क्या किया वो चेक। और फिर आती है वो रात जिसको मनाने के लिए हर पाकिस्तानी पूरा एक साल वेट करता है। हमने भी पूरा एक साल वेट किया, लेकिन इसी दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने एटलीस्ट गली से गली के बच्चों से भी 10-10 रुपये चंदा इकट्ठा किया था कि हम लोग ये डे मनाएंगे। बहुत मज़ा किया, आप देख सकते, आप लोग देखें इस वीडियो में कि हम लोगों ने कितना मज़ा किया इस रात को 14 अगस्त। भाई की शशके चेक करो बस, भाई के ये फाड़ दिया चेक कर रही होगी बस, शशके किस तरीके से शशके दिए चले आ रहे हैं। गली का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर बंदा इस रात को बड़ी ज़ोर शोर से मनाता है, और हमने भी मनाई, केक भी चखा, केक चखते हुए चेक। चौदह अगस्त खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टॉप कवाली नाइट, डेट मुझे याद नहीं है लेकिन कवाली नाइट में ही गया था उसको। यार देखा जाए तो मैं अपनी लाइफ की सबसे पहली कवाली में गया था, लेकिन मैं भी इन सब के साथ पागल हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, बहुत मजा आ रहा था, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा था यार, इतना मजा आ रहा था इस कवाली में। जिंदगी की पहली कवाली में गया था और आप देख सकते हैं कि मैं भी कैसा झूम रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई सॉरी बट आई एम नॉट, यार इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में ही बोल लेता हूँ, छोड़ो यार उर्दू में भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, बस आप चेक करो यार। ओ सॉरी शहजाद भाई, आपका भी कॉपी कराइए बस, चेक करो। एक्चुअली हमारे पास कुछ जो है ना स्नैपी कीड़ा है, तो ये स्नैपचैट का कीड़ा जिसने ये मेरी वीडियो बनाई, और ये मेरी लाइफ की सबसे पहली कवाली थी, और आप देख सकते हैं कितना क्राउड और कितना मज़ा आया इस कवाली में। मैं कभी ज़िंदगी में कवाली में नहीं गया, मैं कवाली को बहुत बुरी चीज़ समझता था, लेकिन यहाँ जाने के बाद पता चला कि कवाली क्या चीज़ होती है, और बंदे को कैसे मतलब कोई सा भी बंदा हो झूम के तो रह ही जाता है, भले जितना भी सीरियस बंदा हो झूम ही जाता है, और हम भी फुल झूमे, मज़ा किया, दबा के मज़ा किया हमने इस दिन। ओह माय गॉड, आप चेक करो क्राउड किस तरीके से झूम रहा है, अब आप सोच सकते हो कि क्या। नेक्स्ट स्टॉप
ऑटो शो, मतलब कि कारों का शो, कारों का शो। स्टॉप हैदराबाद, मीट एंड ग्रीट। तो भैया हम हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद पहुँचने के बाद हैदराबाद में बेसिकली था क्या बैन, हैदराबाद में था मीट एंड ग्रीट। मीट एंड ग्रीट की चीज़ का भाई टिकटॉक का, टिकटॉक ट्रेंडिंग ऐप है उसका मीट एंड ग्रीट था, तो हमने वो अटेंड किया। हम भी टिकटॉक चलाते हैं यार, तो हमें अटेंड करना लाजमी था, बुलावा था, मिलने चले गए हम अपने हैदराबाद के दोस्तों से। तो बहुत मज़ा किया हैदराबाद में। फिर उसके बाद तो अभी आगे देखता हूँ कौन सी फुटेज पड़ी हुई है, वो अटैच कर दो जाइएगा मत, देखते रहिए। तो अगेन कवाली नाइट, बस ये फुटेज मिली स्नैपचैट पे। भाई हम कवाली के हो गए फ़ैन, और कवाली में आए थे जमशेद ब्रदर्स। अब जमशेद ब्रदर्स का छोटा बेटा मेरी तवज्जो का मरकज बना रहा। भाई देखो तो सही, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल तो चेक करो। बस ये बच्चा जो है ना, मतलब कि आप चेक करो खाली इसका, बच्चे का क्या बोलूँ मैं। मैं तो कवाली का भी फ़ैन हो गया और बच्चे का भी फ़ैन हो गया, और जमशेद ब्रदर्स का तो वैसे ही मैं फ़ैन हूँ। बस यही कहना चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये वीडियो मैंने थोड़ी बोरिंग कर दी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बोरिंग कर दी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं कर पाओ तो सब्सक्राइब के भी क्लिक कर देना, वो भी नहीं कर पाओ तो घंटा दबा देना यार। बस इतना ही बोलूँगा और क्या बोलूँ। बस ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आने वाले व्लॉग बहुत जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।